दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। यहां पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव पहुंचे। उस दौरान उन्होंने विधायक देवेंद्र यादव को लेकर कड़ी बात कही। उन्होंने कहा, हाथ में संविधान की किताब और झंडा लहराने से बात नहीं बनेगी। भाजपा का राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। इसी तारतम्य में प्रदेश भाजपा नेतृत्व के सदस्यता अभियान पर जिला कार्यशाला का आयोजन रखा गया, जिसके तहत दुर्ग के जिला भाजपा कार्यालय में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव उपस्थित हुए। इस अवसर पर दुर्ग सांसद विजय बघेल और विधायक ललित चंद्राकर, गजेंद्र यादव, ईश्वर साहू, कोरसेवाड़ा विधायक शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह ने भिलाई विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर अपना बयान जारी किया और कहा कि सतनाम समाज का हाथ में झंडा और संविधान की किताब को लेकर सिर्फ ढाल बना सकते हो, आप संविधान की हत्या नहीं कर सकते हो। और आगे कहा कि जब 6 बार नोटिस दिया गया था तो उन्हें जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए। देखिए क्या कहा वीडियो में। देखिए, हमारा संगठन का जो पर्व है, महापर्व हमारे संगठन का और सदस्यता अभियान और उसकी तैयारी के संबंध में आज दुर्ग जिले की कार्यशाला है। 17 तारीख को ये इसी प्रकार की बड़ी कार्यशाला पूरे देश की हमारी राजधानी दिल्ली में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उसमें मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ है। पूरे देश के हमारे सभी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश महामंत्री संगठन हैं, प्रभारी हैं, महामंत्री हैं ऐसा, और उसके बाद प्रांत की हमारी जो कार्यशाला है वो संपन्न हुई 20 तारीख को, और उसके बाद अभी सभी जिलों में 22, 23 और 24 को हमारे सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला आयोजित है। उसी परिप्रेक्ष्य में दुर्ग की आज सदस्यता अभियान की कार्यशाला संपन्न होने जा रही है। देखिए, ये पूरा उस मामले को बहुत बड़ा मामला है, बलौदा बाजार का मामला। इस घटना में अगर उनकी संलिप्तता पाई गई है या फाइंडिंग पाई गई है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो हुई होगी। इसको राजनीतिक माइलेज के लिए, राजनीतिक मुद्दा बनाने की दृष्टि से कांग्रेस कुछ भी कह सकती है, लेकिन विष्णुदेव साई जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में है, लॉ एंड ऑर्डर जिसकी सभी लोग बहुत पिछले 5 वर्षों में तो ये समाप्त हो चुका था, किसी को भी कुछ भी कह करने का अधिकार नहीं है। और इसमें अगर उनकी फाइंडिंग पाई गई है, उनकी संलिप्तता पाई गई है, तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई विधि सम्मत जो रूप से होनी होगी वो होगी। अगर इसमें वो निर्दोष होंगे, भाई 6 बार उनको बुलाया गया, अपना नोटिस भेजा गया बयान देने के लिए, उनको जाना चाहिए था, वो उससे बचे क्यों। नहीं, आप ढाल बना सकते हो लेकिन संविधान का किताब हाथ में लेके आप संविधान की हत्या नहीं कर सकते। आपको अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा, उसके लिए आपको संबंधित जो भी पुलिस में जब भी उनको प्रक्रिया है उसका पालन करके उसको देना पड़ेगा। फिर अपने यहाँ न्याय संगत है तो न्याय पर भरोसा कीजिए, न्यायपालिका पर भरोसा कीजिए। लेकिन इस तरीके से, और एक वहाँ पर उनकी फाइंडिंग पाई गई, अगर उनकी संलिप्तता पा गई है तो निश्चित रूप से, और कोई कारण नहीं है इसके अलावा अकेले। हाँ, इसके अलावा तो बहुत सारे उसमें कितने सारे विधायक थे, कोई तो नहीं गए। अब ये अलग से है, इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा, विधि सम्मत मामलों में हमारा ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। जी, थैंक यू। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।